चुनाव बेहद करीब है। भाजपा अपने नारे अब की बार 400 पार के तैयारियों में जुटी हुई है। अब की बार फिर एक बार पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे वो टारगेट से पीछे रह जाए। इसी के लिए पार्टी ग्रास रूट लेवल पर तैयारी कर रही है। इसी के मद्देनजर पार्टी बुर्के वाली फौज बना रही है। आखिर क्या है ये बुर्के वाली फौज और कैसे ये ब्रिगेड काम करेगी, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चुनावी तैयारियों का आखिरी चरण चल रहा है। भाजपा अपनी जीत की राह का रोड़ा बनने वाली परेशानियों को दूर करने की कोशिशों में जुटी हुई है। जो भाजपा की बड़ी मुश्किलों में से एक है वो है वोटिंग के दौरान होने वाले पर्चीवाड़े। अक्सर ये शिकायत सामने आती है कि वोटिंग के दिन मुस्लिम बहुल इलाके में महिलाएं बुर्का पहन वोट देने आती हैं और ऐसे में बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान पड़ते हैं। इसी फर्जी मतदान को रोकने के लिए भाजपा ने एक अनूठा प्रयोग किया है जिसके तहत पार्टी बुर्का नशी पोलिंग एजेंट्स की फौज तैयार कर रही है। इसी के लिए भाजपा घनी मुस्लिम आबादी वाले इलाके में अपने मुस्लिम कैडर को ट्रेनिंग दे रही है। 10-10 महिलाओं के ग्रुप को पोलिंग एजेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें ये बताया जा रहा है कि बूथ पर फर्जी वोटिंग की कैसे पहचान करनी है, कैसे पुलिस प्रशासन की मदद से फर्जी मतदान को नाकाम करना है, कैसे काम करेगा ब्रिगेड। ये मुस्लिम महिला ब्रिगेड मतदान केंद्रों और बूथों पर आने वाली संदिग्ध महिलाओं के चेहरे से नकाब हटाकर उनकी पहचान करेगा। इसके साथ ही वोटर आईडी कार्ड और मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकृत दूसरे प्रपत्र का भी मिलान करेगा जिससे लोकतंत्र के इस महापर्व में किसी भी तरह से फर्जी वोटिंग ना हो सके। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे को दी गई है। वहीं जो महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए पहले बैच की 25 मुस्लिम महिलाओं को ट्रेनिंग दे दी गई है। आने वाले दिनों में और भी महिलाओं को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा। क्यों हो रहा ये प्रयोग? दरअसल भाजपा को भरोसा है कि इस बार उसे मुसलमानों का ज्यादा वोट मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग भाजपा के काम से काफी ज्यादा प्रभावित है, खासकर महिलाएं, क्योंकि मोदी सरकार ने 3 तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म किया, हज के लिए मरहम खत्म किया, यानी महिलाएं हज यात्रा पर अकेले जा सकती हैं। इसके अलावा सरकार ने हज यात्रा में VIP कोटा खत्म किया, हज कोटा 1.75 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया, और तो और 2 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी है। ऐसे में भाजपा को अपने वोट बैंक में सेंधमारी का डर सता रहा है जिसके चलते ऐसा फैसला लिया गया। अब ये देखना होगा कि भाजपा का ये प्रयोग कितना ज्यादा इस चुनाव में कारगर होता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।